फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट के बारे में, जहाँ पे दो मशीन आते हैं, मूरे मशीन और मीले मशीन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मूरे मशीन और मीले मशीन के एक फॉर्मल डिफिनेशन, उसके ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों मशीन मीले और मूरे का आपस में कन्वर्जन में। पहले हम बात करेंगे मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन, इसके बाद करेंगे मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन का। तो पहले चलिए देखते हैं हम मूरे मशीन का। जैसा कि मूरे और मीले मशीन में दोनों ने, आपने प्रीवियस लेक्चर में अगर जाकर देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया था कि दोनों मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होता, इसलिए कोई रिजेक्ट या एक्सेप्ट में आउटपुट नहीं देता। ये हमेशा आप जो इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो मीले और मूरे मशीन के इंट्रोडक्शन पार्ट को आप प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको इनिशियल थोड़ा सा बता दूं, केवल जो मूरे मशीन होता है, मूरे मशीन जो आउटपुट मैपिंग होता है लेमडा, वो कैसे होता है, स्टेट से किसी आउटपुट सिंबल पे, मींस हर स्टेट का कुछ ना कुछ आउटपुट सिंबल होगा। मीले मशीन का कैसे होता है, मीले मशीन का जो आउटपुट रिलेशन होता है वो कैसे पे होता है, आपका स्टेट और इनपुट सिंबल से मैप होता है आउटपुट सिंबल। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो मीले मशीन मूरे मशीन का आउटपुट होता है केवल केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, और जो मीले मशीन का आउटपुट होता है इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम देखें मूरे मशीन आपको दिया हुआ है, इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे मीले मशीन में। कन्वर्ट करने से पहले अगर आप देखेंगे क्वेश्चन अगर इस डायग्राम फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, टेबल। इसको सबसे पहले टेबल फॉर्म में बना लेंगे, इसके बाद इसी टेबल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीले मशीन में। तो देखिए कैसे होता है, जो टेबल होगा आपका, टेबल में एक प्रेजेंट स्टेट होगा जिसको हम प्रेजेंट स्टेट कहेंगे, इनपुट सिंबल होंगे, इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं यहां पे, जीरो और वन है। आउटपुट सिंबल होंगे, आउटपुट लेमडा सिंबल, आउटपुट कौन से सिंबल है यहां पे, आउटपुट भी जीरो वन है। अब यहां आप देख सकते हैं यहां पे इनपुट भी जीरो वन है, आउटपुट भी हर स्टेट पे आउटपुट जो आ रहा है वो भी जीरो वन में भी आ रहा है। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। तो अब जो अगर प्रेजेंट स्टेट देखें तो स्टेट कौन कौन से यहां पे, क्यू वन आपका इनिशियल है, क्यू टू आपका सेकेंड स्टेट है, Q3 आपका थर्ड स्टेट है। अब इनके साथ हम मैपिंग देखें तो Q1 पे, Q1 से 0, Q1 से 0 कहां पे जा रहा है आपका, Q1 से 0 Q1 पे ही हो रहा है, Q1 से 1, Q1 से 1 आपका कहां पे मैपिंग हो रहा है, Q2 पे, और Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 का आउटपुट सिंबल क्या आया, 0 आया। इसी तरीके से Q2 और Q3 दोनों के लिए हम निकाल लेंगे, Q3 से 0 पे Q1 जा रहा है, Q3 से Q2 से 1 पे Q3 जा रहा है, और इसका भी आउटपुट क्या है, Q2 स्टेट का आउटपुट क्या है, 0। Q3 से 0 पे Q1 जा रहा है, और यहां पे Q3 ही है, आउटपुट इसका क्या है, 1। ये आपका सेम मीले मूरे मशीन जो यहां पे था इसी का ट्रांजिशन टेबल मैंने बना लिया फिलहाल, क्योंकि ट्रांजिशन टेबल से कन्वर्जन बहुत इजी हो जाता है इसलिए हम ट्रांजिशन टेबल से ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी ट्रांजिशन टेबल किसका हो गया, आपका मूरे मशीन का। अब मुझे बनाना है मीले मशीन का, मीले मशीन, तो मीले मशीन का ट्रांजिशन टेबल कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा इसी टेबल से बहुत ही इजी तरीके से आपका मीले मशीन के लिए बन जाएगा। एक हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट, जीरो इनपुट और वन इनपुट, दो ही तरह के इनपुट सिंबल है तो जीरो इनपुट हो जाएगा। जीरो इनपुट पे प्रेजेंट स्टेट क्या है और इसका आउटपुट क्या है, यहां जाएगा। वन के साथ इसका स्टेट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, ये करना है। तो प्रेजेंट स्टेट नोट कर लीजिए, Q1, Q2, Q3। Q1 आपका इनिशियल है, यहां भी Q1 आपका इनिशियल है। यहां पे जीरो पे स्टेट कौन कौन से आ रहे हैं, सेम स्टेट हम लिख लेंगे यहां पे, Q1, Q1, Q1। यहां पे स्टेट कौन से आ रहे हैं, वन पे Q2, Q3, Q3, ठीक है। अब आपको आउटपुट लिखना है, यहां पे
आउटपुट क्या है, अब आउटपुट केवल स्टेट आप देखिए, Q1 का स्टेट क्या है, Q1 का आउटपुट क्या है, यहाँ पे जीरो, Q1 का आउटपुट यहाँ पे जीरो होगा, Q1 का आउटपुट यहाँ पे जीरो होगा, Q2 का आउटपुट क्या है यहाँ पे, Q2 का आउटपुट अगर यहाँ देखें तो Q2 का आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो, तो यहाँ पर जाएगा जीरो, Q2 का आउटपुट, Q3 का आउटपुट क्या है यहाँ से, Q3 का आउटपुट 1 है, यहाँ हो जाएगा, Q3 का आउटपुट ये है, ये हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हम किसी भी मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है आपका मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन, जब हम मीले मशीन को किसी मूरे वर्जन कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो चलिए हम मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मीले मशीन में दिया होगा, इसी को आपको मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट की जो काम आपका ये मीले मशीन कर पाए वही काम वो मूरे मशीन भी कर ले। तो क्वेश्चन आपका कुछ डायग्राम फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे नंबर आप स्टेट 4 दिए हुए हैं, Q1 आपका इनिशियल है, जो इसका ट्रांजिशन हो रहा है Q1 का ट्रांजिशन, Q1 से 1 ट्रांजिशन Q2 पे हो रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। इस तरीके से Q1 का अगर जीरो सिंबल के साथ ट्रांजिशन देखे तो कहां हो रहा है, Q3 पे, आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। इसी को मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इजीली आप टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप प्रीवियस लेक्चर में भी मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है कैसे कन्वर्जन होगा। तो पहले हम उस डायग्राम से टेबल बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे Q1 आपका इनिशियल स्टेट है, Q1 से अगर हम देखें वहां पे तो Q1 से 1 इनपुट पे हम किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, Q2। तो हम Q1 से 1 इनपुट पे कहां पहुंचे, हम Q2। लेकिन यहां पे इसके साथ जो आउटपुट है, आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो, तो आपका आउटपुट आ जाएगा जीरो। ये जो सिंबल हमेशा होता है ये फर्स्ट यहां शो करता है इनपुट को और ये वाला शो करता है आउटपुट को। तो जो भी इनपुट होगा वो इनपुट सिंबल इस लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड वाला हमेशा क्या होगा, आउटपुट सिंबल होगा। तो इस तरीके से हम इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे टेबल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम तुरंत चेंज करेंगे मॉडिफाइड मीले में। मॉडिफाइड मीले मशीन क्या होता है, मॉडिफाइड मीले मशीन में हम चेक करेंगे कि यहां पे कोई ऐसा स्टेट है जो मोर देन वन टाइम यहां पे आया हो और उससे उस डिफरेंट आउटपुट हो रहे हो। जैसे अगर हम Q3 देखें तो Q3 पे आउटपुट यहां पे क्या है, जीरो। Q3 और कहीं आया है, Q3 यहां भी आया, इसका आउटपुट क्या है, जीरो। तो मतलब Q3 पे आउटपुट क्या है, केवल जीरो है दोनों टाइम। इसी तरीके से हम सारे के लिए निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम Q1 से, Q1 से आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, Q1 से आउटपुट 1 मिला, Q1 से आउटपुट 1 मिला दोनों टाइम, तो Q1 से आउटपुट 1 ही रहेगा। अगर हम Q2 पे चेक करें तो Q2 से एक बार 1 आउटपुट मिल रहा है और Q2 से एक बार क्या मिल रहा है, 0 आउटपुट। मतलब Q2 स्टेट को हम ब्रेक करेंगे, Q2 स्टेट को हम ब्रेक करेंगे किस बेस पे ब्रेक करेंगे, देखिए जब Q2 से 0 आउटपुट आएगा, Q2 से एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, तो जब Q2 से 0 आउटपुट आ रहा होगा तो उस टाइम उस स्टेट को रीनेम करके एक नया स्टेट बना लेंगे Q2 0, और ये 0 जो है ये शो करेगा उसका आउटपुट भी। दूसरा स्टेट हम बना लेंगे Q2 1, जिसका आउटपुट होगा 1 और ये 1 शो करेगा इसका आउटपुट। मींस Q2 स्टेट को ही हम क्या किए, दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, Q2 0 और Q2 1। क्यों ब्रेक कर दिए, क्योंकि इसके डिफरेंट आउटपुट आ रहे थे। इसी तरीके से हम देखें Q3 का, तो Q3 का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 यहां पे आ रहा है, दूसरे टाइम क्या आ रहा है, वहां भी 0 आ रहा है, तो Q3 का आउटपुट दोनों केस में क्या होगा, 0 ही होगा। Q4 का देखें तो Q4 का आउटपुट 2 बार आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है और एक बार 0 आ रहा है, तो इसको भी हम ले लेंगे 0 के टाइम 4 0, और जब 1 आउटपुट आ रहा होगा तो Q4 1 ले लेंगे यहां पे। तो इस तरीके से टोटल स्टेट आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 स्टेट मिल जाएंगे जो कि मॉडिफाइड मीले मशीन में होंगे। अब मॉडिफाइड मीले मशीन में प्रेजेंट स्टेट आपका यही ये वाला आ जाएगा जो अभी यहां मैंने कैलकुलेट किया, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 0 Q2 1 Q3 Q4 0 Q4 1, ये स्टेट आ जाएंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट और आउटपुट है ये भी चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा, देखिएगा जो स्टेट यहां पे आएगा, अब यहां पे Q1 से 0 पे हम यहां पे कर सकते हैं, ये आपका प्रेजेंट स्टेट है, ये 0 पे स्टेट और आउटपुट है, यहां पे 1 पे स्टेट और आउटपुट है, मॉडिफाइड है, सेम स्ट्रक्चर में होगा। तो Q1 से अगर 0 देखें तो कहां जा रहा, Q3 कितनी टाइम यहां पे आया है, Q3 केवल सिंगल टाइम है और उसका आउटपुट क्या है, 0। तो जहां भी Q3 आएगा तुरंत हम उसका आउटपुट 0 लिख देंगे यहां पे। तो Q1 से 1 पे,
Q1 से अगर हम वन स्टेट ट्रांजिशन देखें यहाँ पे, तो Q1 से वन स्टेट पे कौन सा पहुंच रहा है, Q2 पे, लेकिन Q2 स्टेट तो यहां है नहीं, तो स्टेट कौन सा है, Q2 ब्रेक हो चुका है Q2 0 Q2 1 में, तो यहां पे डिपेंड करेगा जीरो पे। तो यहां पे जो Q2 है आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। जब Q2 0 आउटपुट आ रहा है जीरो, तो यहां पे कौन से स्टेट आ जाएगा, Q2 0। क्यों, क्योंकि जीरो आउटपुट के साथ यही आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पे। अब इसी तरह से Q2 0 को देखिए, Q2 0 क्या था, इसी Q2 से ब्रेक हुआ था, दो स्टेट बने थे, तो हम इसमें Q2 को ही चेक करेंगे। Q2 से 0 कहां पहुंचा, Q1 एक ही स्टेट है तो Q1 ही होगा। आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट इसका 1 है तो 1 ही आएगा। Q2 से अगर इसी से हम देखें इस पे 1 पे, तो 1 पे कहां पहुंचा, Q4 पे, लेकिन Q4 है कहीं पे स्टेट, Q4 कहीं स्टेट नहीं है, तो डिपेंड किस पे करेगा, आउटपुट पे, इसका आउटपुट क्या है, 0, तो यहां पे स्टेट हो जाएगा Q4 0। इसी तरह से Q2 1, अब Q2 0 पे जो आया है सेम Q2 1 पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों Q2 से ही ब्रेक हुए हैं, तो यहां पे Q2 1 पे सेम हम रख सकते हैं Q1 1, Q4 0 एंड 0। अब Q3 देखिए, Q3 से देखें तो Q3 से 0 कहां पे जा रहा है, Q2 पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1। जब 1 आ रहा है तो Q2 के साथ कौन सा स्टेट आ जाएगा, Q2 1 वाला, तो यहां हो जाएगा Q2 1। इसी तरीके से इस पे चलें तो Q3 से 1 कहां आ रहा है, Q1 पे, और Q1 एक ही टाइम यहां पे है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। अब Q4 0 से निकाल लीजिए, Q4 0 से 0 पे कहां जा रहा है, Q4 पे, लेकिन आउटपुट क्या है इसका, 1, तो यहां पे स्टेट कौन सा हो जाएगा, Q4 1। हां ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो स्टेट ये डिनोट करेगा हमेशा आउटपुट पे डिपेंड करेगा। यहां पे कहां जा रहा है, Q3 पे, आउटपुट इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब Q4 1 के लिए निकाल लीजिए, Q4 1 के लिए क्या हो जाएगा, Q4 1 के लिए सेम आ जाएगा, क्योंकि इसका दोनों किस स्टेट से डिराइव है, Q4 से ही है, तो यहां पे कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो पहले आया Q4 0 पे वही यहां पे भी आ जाएगा, Q3 और 0। तो इस तरीके से क्या बन गया आपका, मॉडिफाइड मिले मशीन यहां पे बन गया। अब जब मॉडिफाइड मिले मशीन बन गया, तो इसी मॉडिफाइड मिले मशीन से हम इजिली मूरे मशीन कन्वर्ट कर सकते हैं। इजिली मूरे मशीन कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, आप देखिए, मूरे मशीन टेबल जो होगा मूरे मशीन का, वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट होगा, 0 होगा इनपुट सिंबल, 1 होगा इनपुट सिंबल, और लेमडा होगा आउटपुट सिंबल। प्रेजेंट स्टेट यही होगा आपका Q1, Q2 0, Q2 1, Q3, Q4 0, Q4 1। ये आपका इनिशियल होगा, यहां भी ये आपका इनिशियल होगा। अब जो 0 पे यहां पे एंट्री होगी, 0 के साथ स्टेट, अब यहां देखें 0 पे कौन सा स्टेट आ रहा है, स्टेट आ रहा है, तो सेम स्टेट यहां पे आ जाएगा Q3, Q1, Q1, Q2 1, Q4 1, Q4 0, Q4 1 एंड Q4 1। ठीक है, अब इसी तरीके से जो 1 पे है, ये 1 सिंबल पे सारी एंट्री ये वाली आ जाएगी, Q2 0, Q4 0, Q4 0, Q1, Q3, Q3। अब आउटपुट देखना है आपको, इस आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में सीधा आप यहां से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे जो भी स्टेट है यहां पे, वो सारे स्टेट यहां भी है, तो जो आउटपुट यहां पे होगा केवल मूरे मशीन पे किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे, तो यहां से सीधे आउटपुट ले सकते हैं। Q1 पे आउटपुट क्या है, 1। Q2 0 पे आउटपुट क्या है, 0। Q2 1 पे आउटपुट क्या है, 1। Q3 पे आउटपुट क्या है, 0। Q4 0 पे आउटपुट क्या है, 0। Q4 1 पे आउटपुट क्या है, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डेंस मूरे मशीन। तो होपफुली आपको दोनों समझ में आ गया होगा। यहां पे एक डिफरेंस और मिले और मूर मशीन में होता है, जब हम कोई किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए मूरे मशीन पे चेक करते हैं, तो अगर आपका स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो मूरे मशीन जो जनरेट करेगा आउटपुट, वो हमेशा n+1 स्ट्रिंग की जनरेट करेगा। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि हमेशा जिस इनिशियल स्टेट से वो स्टार्ट करेगा, बिना किसी इनपुट सिंबल को रीड किए, वो उस स्टेट का आउटपुट प्रिंट कर देता है वहां पे।
लेकिन मूरे मशीन, अगर मीले मशीन की बात करें तो मीले मशीन में अगर इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ n है तो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, ये भी n ही आएगी। तो दो बेसिक कंसेप्ट, दो बेसिक डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस है मीले और मूर मशीन में, दूसरा डिफरेंस आपके लेमडा का है, क्योंकि मूरे मशीन में हर स्टेट पे आउटपुट होता है और यहाँ पे क्या होगा, हर यहाँ पे इनपुट और स्टेट दोनों से रिलेट करता है, मीन्स ट्रांजिशन पे ही इसका आउटपुट ड्रा होगा। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।